नमस्कार साथियों, आइए आने वाली परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में, जिसे शेल उद्यान भी कहते हैं, इसके निर्माता कौन थे? नेक चंद। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। सेना में शामिल विजयंत क्या है? तो ये भारत का एक टैंक है और नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। हमारी बॉडी में यूरिया का बनता है? यकृत या लीवर में। 1776 में अमेरिका की जो क्रांति है उसके लीडरशिप किसके पास थी? जॉर्ज वॉशिंगटन, और बाद में उन्हें पहला राष्ट्रपति बनाया गया। और इससे तीन वर्ष पहले 1773 में अमेरिका के अंदर बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी, जिसका नेतृत्व सैमुअल एडम्स ने किया था। गुलाबी नगर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर। विश्व का सबसे बड़ा देश अकॉर्डिंग टू एरिया रूस, और एशिया में चीन है। संसार का सबसे बड़ा फूल आकार में रेफ्लेशिया और सबसे छोटा वुल्फिया है। बायोगैस का मुख्य कंटेंट जो अवयव होता है मीथेन CH4। सिख धर्म के संस्थापक गुरुदेव गुरु नानक देव, और हाल ही में पाकिस्तान के अंदर गुरु नानक देव जो हैं उनका जन्म जो है लरकाना पाकिस्तान में हुआ था, तो उनसे संबंधित जो महल है वहाँ पे लोगों ने उसको नुकसान पहुँचाया। ये घटना थोड़ी सी ध्यान में रखिए करंट के अकॉर्डिंग। मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कंचनजंगा पर्वत ये भारत नेपाल और चीन की सीमा पे आता है सिक्किम राज्य में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है भारत में पक्षी विज्ञान के संस्थापक भी कहलाते हैं, फाउंडर भी कहलाते हैं। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी? तो इजिप्टियन या मिस्र की सभ्यता थी। प्रोटीन के लिए सबसे बढ़िया सोर्स होता है सोयाबीन, जिसमें लगभग 46% प्रोटीन पाया जाता है। ध्वनि की सर्वाधिक चाल होती है ठोस या स्ट्रिल में, और सबसे कम चाल या जीरो चाल होती है निर्वात या शून्य में, क्योंकि जो ध्वनि है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए वैक्यूम में वो चल नहीं पाएगी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति तेनजिंग नोर्गे थे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं शेरपा जो 23 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। सिनकोना पौधा, जिससे कुनिन प्राप्त किया जाता है, कुनिन मलेरिया की दवा है, ये सिनकोना पौधे की तने की छाल से मिलते हैं। जनगणमन राष्ट्रगान जो है इसके लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिसे पहली बार 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। गीजा का पिरामिड वह पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है मिस्र या इजिप्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें गलत लिखा हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। बृहस्पति के कितने चंद्रमा है? तो यह भी एक गलत उत्तर है, उस समय ज्ञात की संख्या थी लगभग 67 के आसपास बृहस्पति के जो है सैटेलाइट है। परमाणु घड़ी या जो न्यूक्लियर क्लॉक रहती है वो किस बेस पे वर्क करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करती है। एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूम जाती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है, क्योंकि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर सूर्योदय में 4 मिनट का अंतर रहता है, उस आधार पर 1 घंटे के लिए 15 मिनट लग जाते हैं। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में 9 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश उसका हिस्सा नहीं, ये दक्कन लावा पठार का हिस्सा है। पृथ्वी की नज़दीक सबसे निचली जो एटमोस्फेयर लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल। ए मेरे वतन के लोगों लिखने वाले लेखक कवि प्रदीप। महाराष्ट्र के पहले CM YB चौहान थे। महाराष्ट्र पहले बंबई राज्य के रूप में था, बाद में 60 के दशक में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अलग होकर 2 नए राज्य बने। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा महाराष्ट्र। मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है। नेफ्ट का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंडस ट्रेन। गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी दी थी, जब एप्पल सर पे गिरा तब न्यूटन ने इस बारे में खोज की थी। लेज का नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से। भारत का सबसे पुराना स्टॉक बैंक कौन सा है? संयुक्त स्टॉक बैंक, इलाहाबाद बैंक। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहाँ से आता है? तो 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर नैनी इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जो 1948 तक रहे, मार्च 1948 में बने और संविधान लागू होने पहले तक बने रहे, और 24 जनवरी 1950 को फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। खरीफ का मौसम, खरीफ जो हमारा मानसून काल आता है 15 जून से सितंबर के मध्य का समय। बोध गया बिहार बौद्ध धर्म से संबंधित है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति, उनके जन्मदिन 5 सितंबर को।
पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में लड़ा गया था और इसी युद्ध में पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC। फाइनेंशियल रिलेटेड जितने भी हेडक्वार्टर है वो सारे अमेरिका में आते हैं। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया था? स्वामी विवेकानंद। ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तमिलनाडु में आता है। विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ है। ब्लू रिवोल्यूशन या नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। कमरे में रखे यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाएगा तो कमरे का तापमान जो है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। धन्यवाद साहित्य, मैं गुरुजी GLC IAS से।